तो ब्रह्मा जी तप ध्यान में थे, तो उनको तपह तपह और ये बताया उनको कि तप किया जाए। पर तप माने क्या, ये जानना कि मैं कौन हूं। तो कौन है सबसे बड़ा तपस्वी, वाल्मीकि पूछ रहे हैं। और छोटी सी कथा में ले चलें कि अत्यंत उल्लसित होते हुए जब पार्वती कुछ ऐसे रंगोली अल्पना करा रही हैं वहां रुद्र लोक में, श्रृंगी भृंगी आनंदित हैं, नंदी कीर्तन में हैं, शिव अत्यंत प्रसन्न हैं, तो ब्रह्माणी ने उनसे पूछ लिया पार्वती से कि आप इतनी चहक रही हैं, बात क्या है, आज है क्या आपके यहाँ रुद्र लोक में शिव लोक में आज नया उत्सव कौन सा है जो पहली बार देख रहे हैं, इतना सुंदर आपने ये रुद्र लोक सजाया है, तो हो क्या रहा है। पार्वती कह लेंगे हमारे स्वामी एक नई लीला करने जा रहे हैं, उनका सम्मान करना है, उनका अभिनंदन करना है, उनको सही समय पे विदाई देनी है, और हाँ हम इस बात से बहुत आनंदित हैं कि इस बार की नई लीला में जा रहे हैं हमारे स्वामी महादेव, नई लीला करने जा रहे हैं। क्या लीला है? बोले हमारे स्वामी का मन सेवक बनने का कर रहा है। स्वामी के मन में विचार आया सेवक बनना है, स्वामी के मन में विचार आया है दाता के मन में कि मुझे दीन बनना है, मुझे दास बनना है। स्वामी के मन में विचार आया कि सब हाथ जोड़ते रहते हैं, मुझे भी हाथ जोड़कर ही बैठना है और कुछ नहीं करना, मुझे आज्ञा का पालन करना है, हर पल स्वामी की सेवा में रहना है, अनुपायनी भक्ति करनी है, उसकी छाया से दूर नहीं जाना है। ब्रह्मणि ने पूछा कि ये कौन सा चरित्र होगा, ये कौन सी लीला होगी, वो क्या अवतार होगा महादेव का, वो कौन सी क्रियाएं होंगी, वो कब होंगी, किस युग में होंगी, वो क्या चरित्र होगा। तो पार्वती कहने लगी हाँ वो बड़ा विचित्र चरित्र है, बड़ा अद्भुत चरित्र है, बड़ा मंगलकारी चरित्र है। तो क्या बनने जा रहे हैं आपके स्वामी, हमारे स्वामी सेवक बनने जा रहे हैं, ये जो समर्थ है महादेव है ये दास बनने जा रहा है। अरे कोई नाम तो होगा इनका, बोले बजरंगी हनुमान बनने जा रहा है, नासे रोग हरे सब पीरा, शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये जो है शंकर ये केसरी नंदन बनने जा रहे हैं, हर युग में रहेंगे सब तो चले जाएंगे, भगवान राम भी साकेत लौट जाएंगे, धरा फिर से संभालेगी सीता को, लक्ष्मण आदि सब जल समाधि ले लेंगे, सब विदा हो जाएंगे, धरती पर केवल एक रह जाएगा, उसका नाम है बालाजी सरकार, वो हनुमान रह जाएगा। हमारे स्वामी मारुति नंदन बनने जा रहे हैं, हमारे स्वामी बजरंगी हनुमान बनने जा रहे हैं। लीलाएं होंगी आप देखना, आप तो ब्रह्माणी हैं, कुछ भेद छुपा नहीं है आपसे, आप तो देख ही लेंगी कि हमारा स्वामी क्या करेगा। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, हमारे स्वामी संजीवनी लाएंगे, कारागृह से मुक्त कराएंगे अहिरावण की कारा से, हमारे स्वामी ये महादेव सीता के सुध ये बताएंगे। धौलागिरी द्रोणागिरी पर्वत से यही तो लाएंगे संजीवनी, राम के नागपाश और व्याकुल राम उनके कंठ में होंगे प्राण, तब अंबर में छलांग लगाकर गरुड़ को यही ले आएंगे, दुर्गम काज जगत के जेते, जो कुछ दुर्गम होगा दुर्लभ दुसाध्य होगा असाध्य होगा अप्राप्य होगा ये करेंगे, ये देवादिदेव हैं महादेव हैं।
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। ये देवता हैं अमृत के, ज्ञान के, ये मुक्ति के देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं, यही सबके बंधन खोलेंगे और उस योनि में प्रवेश करेंगे जिसका नाम है किम पुरुष। तो आपने ऐसी अनेक योनियां सुनी होंगी। पिछले साल से मेरा ये व्रत है कि मुझे भले ही कथा आती हो, मैं तो कथा देखकर बोलूंगा।